उमर रियाज और जरीन खान का गाना ईद हो जाएगी इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है कि अब इस गाने ने सीधा सीधा बॉलीवुड सॉन्ग्स के साथ बीचों बीच अपनी एंट्री कर ली है और आप कह सकते हैं कि कंगना रनौत और रणवीर सिंह को टक्कर देने पहुंच गए हैं उमर रियाज। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू सिने स्पीक्स, मैं हूं ज्योति नाहक। इस वक्त भाई बी टाउन के जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं, उनको भी टक्कर दे देते हैं आजकल टेलीविजन के सितारे। जी हाँ, टेलीविजन सितारे मुझे लगता है कि बॉलीवुड सितारों से भी ज्यादा आगे निकल गए हैं, वो उनसे भी ज्यादा पॉपुलर होते चले जा रहे हैं क्योंकि इतने म्यूजिक वीडियोस, इतनी बड़ी बड़ी फैंडम्स, इतने बड़े बड़े फैन फॉलोइंग्स, ये आम बात नहीं है। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि हाल ही में उमर रियाज ने एक पोस्ट शेयर किया है जहां पर उन्होंने बताया कि उनका गाना ईद हो जाएगी किस कदर पसंद किया जा रहा है और इस गाने ने अपनी जगह बना ली है सीधे सीधे ऑर्मैक्स की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट हार्टबीट्स की लिस्ट में। जी हाँ, आपको बता दें कि न्यू एंट्री हो चुकी है और पिछले दो हफ्तों में अगर कोई गाना सबसे ज्यादा ऑर्मैक्स की लिस्ट पे टॉप पे रहा, सबसे ज्यादा जो है जनता ने सुना, उन गानों में उमर रियाज का जो गाना है वो 37th पोजीशन पर पहुंच चुका है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए उमर रियाज ने, ये आपको दिखा देते हैं सबसे पहले, तो ये देखिए उमर रियाज की आईडी है, उमर ने ये स्टोरी शेयर की जहां पर सबसे पहला गाना है जयेश भाई जोरदार का, फिर है कंगना का शीज ऑन फायर, फिर है जरीन खान और उमर रियाज का ईद हो जाएगी ट्रैक। जी हाँ, ईद हो जाएगी ट्रैक और इसके बाद है करण कुंद्रा का बेचारी ट्रैक। सो ये चारों गाने इस वक्त काफी पसंद किए जा रहे हैं, लेकिन उमर रियाज और जरीन खान, राघव और जावेद के इस गाने को बहुत ही प्यार मिल रहा है। उमर की सक्सेस पर क्या है आपकी राय, आप बताइए।